फैक्ट्री में से पहले धमाके में से बाहर निकले तो दूसरा धमाका इतना भयानक था कि हमारे को जान बचाने का भी मौका नहीं मिल रहा था, हम वहीं जगह पे गिर गए सब। जितने थे सभी घायल हो गए, सबको लगी है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट को 12 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, यहां अब भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच चौंकाने वाली तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। मौके पर रह रहकर चिंगारियां उठ रही हैं। जेसीबी जैसे ही किसी मलबे को हटाती है वैसे ही वहां से धुएं का गुबार उठता है और चिंगारियां निकलती हैं। न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट के मुताबिक आग को ठंडा करने के लिए यहां 300 से ज्यादा फायर ब्रिगेड लगाई गई है। यहां मलबे में बारूद बड़ी मात्रा में मौजूद है जिस वजह से आग अब भी सुलग रही है। प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है लेकिन इस बीच दर्दनाक कहानियां भी सामने आ रही है। जी, फैक्ट्री के 100 मीटर की दूरी पे ही काम चल रहा था मेरा सर, तो पहला विस्फोट हुआ तो हम घर में से बाहर निकले, फिर दूसरा विस्फोट जो हुआ तो हमने जान बचा के भाग रहे थे, तो दूसरे विस्फोट में हमारे को सर में पत्थर लगी, यहाँ चोट है और पत्थर के बाद पटाखे सर में लग रहे थे, फिर हम वहीं जगह पे गिर गए थे। तो कैसा कुछ मंजर था उस समय? बहुत खतरनाक मंजर था सर, उसकी आँच हमको 100 मीटर 150 मीटर की दूरी तक की उसकी आँच लग रही थी सर, और उसकी पूरी कम से कम 4 मंजिल की ऊंचाई तक, 40-50 फीट की ऊंचाई तक सिर्फ आग दिख रही थी सर, और कुछ नहीं दिख रहा था। जी सर। तो क्या कुछ हुआ था? और कुछ लोग भगदड़ में, कुछ लोग वहीं रोड पे गिरे मैयत, कुछ लोग भगदड़ में बेचारे मर गए, दो चार लोग वहीं रोड के ऊपर। बताया जा रहा है कि ये पटाखा फैक्ट्री 20 साल से संचालित थी, इसमें पहले भी हादसा हो चुका है, उस वक्त भी कई लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी मुकेश और उषा की भी है। वे कई सालों से फैक्ट्री से लगे मकान में रह रहे थे, दोनों का जीवन खुशहाली से बीत रहा था, लेकिन 6 फरवरी को पटाखों में धमाके ने उन्हें खत्म कर दिया। फैक्ट्री में ब्लास्ट होते ही आग ने उनके घर में तबाही मचा दी। इस हादसे में उनका घर तो जल गया, साथ ही उनकी मौत भी हो गई। कम से कम 40 मकान एक मोहल्ला बसा हुआ पूरा वहाँ पे। हमारा पहले भी था, जैसे धमाके हम सब निकल के भागे थे, इनके ऊपर भी वो आग के गोले गिरे और फत्ते गिरे सब हमारे ऊपर। घर में कितने लोग घायल हुए? घर में सभी, पूरा परिवार जितने थे सभी घायल हो गए, सबको लगी है। वो पत्थर वो उससे लगे थे, भागने में गिरे, 2-3 बार गिर गया मैं, वो ऊपर से वो पत्थर और वो गोले गिर रहे थे। इस हादसे के पीड़ितों के चेहरों पर हादसे का दर्द साफ देखा जा सकता है। कई लोगों को अब भी अपने रिश्तेदारों की जानकारी नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में आगजनी की घटना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच हरदा जिला प्रशासन ने दुर्घटना में गुमशुदा की तलाश के लिए फोन नंबर जारी किए हैं। किसी भी प्रकार की सहायता और जानकारी के लिए SDM हरदा KC परते के मोबाइल नंबर 9425042205 पर कॉल कर सकते हैं। तहसीलदार हरदा लवीना घाघरे के नंबर 7509756213 पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक पंकज खत्री का नंबर 8770162348 है। पटवारी झनकलाल पमार के नंबर 9746489702 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। पटवारी उदय सिंह उइके के नंबर 9977360806 पर फोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया जा रहा है। आसपास के शहरों से भी हरदा मदद भेजी जा रही है। प्रशासन ने सभी से संयम बनाने की अपील की है। प्रशासन अपनी ओर से भरसक प्रयास में जुटी है।